सत श्री अकाल, वेलकम ऑल ऑफ यू इन टच एंड द पैग। अज वाला एपीसोड थोड़े सारे दे नाम, क्योंकि तुसी टच एंड द पैग नू सपोर्ट करते हो तो इनू इन्ना खास बनाया कि अज इंडिया के सारे खास सैलीब्रिटीज साडे शो विच आउंदे ने। उस तरह जो अज थोनू सारे नू मिलन आ रहे ने, ओ ने एंकरिंग दी किताब, एक्टिंग दी डिक्शनरी ते जिंदगी जीण दा एनसाइक्लोपीडिया। लेट्स वेलकम द लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन। ऑलराइट गाइस, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि आज साडे नाल स्टार कास्ट बैठी है उस मूवी दी जिहदी तुहानू बहुत देर तो इंतजार है, जाने की पिंक मूवी दी, ते नाल साडे शहंशाह ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन सर। ओ यार, इन्ने लंबे चौड़े नाम ना दित्ते सर यार। क्यों सर, तुसी हो शहंशाह? नहीं जी, लगदा नहीं मैनू ठीक यार। एमी तुसी सर सानू वधिया लगना चाहिए, साडी कैप सोहणी लगदी यार, बस ओही ठीक रहे। थैंक यू सर, इहदा क्रेडिट थोनू जांदा जी, क्योंकि जदों मैनू पता लग्गिया ना कि अमिताभ बच्चन सर दी मैं इंटरव्यू करन जाणी, मैं नाल ही मम्मी नूं फोन कीता, मम्मी नवे कपड़े लैणे आ। मम्मी ने क्या कहिंदे, पर अगो मम्मी कहिंदे इक टोपी हैगी ते है जिहड़ी तू इक वार पाई सी। हां, थोड़े पैसे और लगाने थे ना पैंट पे। हां, उन्होंने बोला ये एक बार ही पहननी है, इतनी फटी है, दो बार पहन लो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर नहीं लेके दूंगा। सो अंगद भाई, ओके okay. अच्छा, मैं सारा दसना चाहना कि तपसी मैम इस मूवी लीड करैक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये पंजाबी ने, सो गुड न्यूज है ना। तो अंगद बेदी भाई, तुम भी पंजाबी है ना? बोल सकते हो, आज तुसी ये करता था वो करता था कर दो, फिर मेरी बेइज्जती हो जानी ना भाई। देखते हैं भाई, जिधर तू ही चंगी बोलते हैं मैं बोलता हूं तेरे। सो गुड, ओह माय गॉड, ही स्पीक्स बेटर पंजाबी देन, मेरे से अच्छी बोलता है यार। मेरी थोड़ी दिल्ली एडल्टेड हो गई, लिखनी पढ़नी आती है मेनू। हां, बोलने में थोड़ी सी मुझे फ्लुएंसी कम है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूं ना मैं, इसलिए थोड़ी सी एडल्टेड पंजाबी है मेरी। लेकिन सर, सर धरती माता की कसम सर, आज तक ना सर कभी ऐसा फील नहीं हुआ मेरे को कि मेरी हाइट छोटी है, लेकिन आपको मिलने के बाद ऐसा लग रहा है यार मैं तो बहुत छोटा सा हूं। मैं थल्ले बैठ जाता हूं यार। सर सीरियसली सर, कैसा लगता है आपको सारी दुनिया फर्स्ट फ्लोर पे, आपको कैसा लगता है? कुछ नहीं, इन सब चीजों में मैंने कभी विश्वास किया नहीं और ना ही बिलीव करता हूं, और आम आदमी की तरह आई एम जस्ट लाइक एनी ऑफ यू गाइस। कीर्ति जी, आप इस मूवी में क्या कर रहे हैं? मैं कहानी है हम तीन लड़कियों की, और तीनों दिल्ली में रहती हैं एक ही घर में, तीन चार साल से फ्लैट शेयर कर रही हैं, तीनों वर्किंग गर्ल्स हैं, अलग तरह के प्रोफेशंस में हैं, अलग अलग जगह से हैं, अलग बैकग्राउंड से हैं। मैं फिल्म में लखनऊ की लड़की हूँ, मेरा नाम फलक है फिल्म में, ये एंड्रिया है शिलोंग से फिल्म में, ये है तापसी जो दिल्ली की ही हैं और चंडीगढ़ से प्ले कर रही है। तो हम तीनों बहुत ही इंडिपेंडेंट और प्रोग्रेसिव ख्याल की लड़कियां हैं, आजकल की लड़कियां हैं, और कैसे हमारे साथ कुछ एक दिन कुछ हादसा होता है और उसके बाद ज़िंदगी जो पलट जाती है हम सबकी, और हम कैसे, अगर मैं शायद ये भी कह सकती हूँ कि हम कैसे लड़कियों से औरतें बन जाती हैं, वी टर्न फ्रॉम गर्ल्स टू वीमेन, वो एक जो जर्नी है वो फिल्म पिंक इज अबाउट दैट। सर आप एक लॉयर का रोल कर रहे हैं जी, इससे पहले भी एक मूवी में आपने छोटा सा किया जी था। छोटा सा किया था, और एक ऐसी फिल्म थी जिसमें वो अभी तक रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन सही मानों में इस फिल्म में जिस तरह से जो किरदार मुझे मिला है वो एक सही मानों में लॉयर की भूमिका है। और जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने पूरी कहानी नहीं सुनी थी, और मुझे केवल एक कॉन्सेप्ट सुनाया गया था, मैंने सोचा कि इस कहानी के साथ मुझे लगना चाहिए, किरदार कुछ भी हो, लेकिन ऐसा रोल करके मुझे बहुत ही आनंद आया है। और कई बार मैं कह चुका हूँ, जो कुछ भी डायलॉग्स मैंने इस फिल्म में कहे हैं वो मैं अपने निजी जीवन में भी मानता हूँ, और उनकी मेरी बिलीफ है उनमें। सो गुड सर, मैं आपका ट्विटर, आप सोशल नेटवर्क पर सारा इंडिया फॉलो करता है, कांग्रेचुलेशंस, आपके 22 मिलियन। हाँ जी, 2.1 हो गया जी पाजी, आई एम सॉरी सर, नहीं बैठे बैठे हो गया ज्यादा है। हाँ या नहीं, नहीं कितने, 22.1 मिलियन, नॉट बिलियन। हाँ, तो इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। मैं, हाँ अच्छा, ये ज्यादा है, इंडिया की ज्यादा है, सॉरी। तो सर उसके नीचे आपने जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, हाँ जी, लिखा है कि एक्टर सम आर स्टिल सेइंग सो। हाँ जी, क्या है कि जो 74 में सोचना पड़ता है लोगों को कि एक्टर ये है कि एम ही है कुछ, 74 में। हाँ जी, मैंने 74 उम्र अपनी बोल रहा हूँ मैं। नहीं सर, ऐसा तो नहीं सर, सारा इंडिया मानता है, सारा वर्ल्ड मानता है सर, आप तो बहुत अच्छे हैं। पाजी तुसी थोड़ा प्रोग्राम फर्स्ट क्लास चंगा जा रहा है। जिहड़ी चीज मैं सीखी है सर तो वो है डिसिप्लिन।
एक तरीके का जो इन्हों का डेडिकेशन रहा है इज बीन देयर फॉर नियरली 45 ईयर्स ऑफ द इंडस्ट्री ते योर लाइन्स सुर एज लॉन्ग एज यू थरो विद योर लाइन्स आप अपनी लाइन्स के साथ अच्छे हैं और आपको सुर पता है एंड स्क्रिप्ट फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड बैक टू फ्रंट यू शुड नो इट तो घर वाले जो बाकी बच्चे रहते हैं उनको सबको ये बोलते हैं कि उसने ऐसे किया था तुम भी वैसे करो बहुत प्रेशर है ना बहुत प्रेशर तो इंडस्ट्री में सबके पापा आप तो आप टाइम पे पहुंच यार फिर तुम आ गए हो गलत से तो हर जगह टाइम क्यों देता है कोई यार टाइम पे पहुंचो तो भाई साहब ऐसा है कि हमारे यहाँ कार्यक्रम है आप आ जाना कितने बजे कितनी देर तक रहना है कैसे पता चलेगा तो वो बताएगा ना आपको कि सर हमारे यहाँ रात को खाना है भोजन है तुसी 9 बजे आ जाना जी तो ऐसे आ जाएंगे 9 बजे बट इफ यू नो इफ यू डोंट नो हाउ विल यू नो व्हाट टाइम टू गो वेयर एंड व्हाट टू डू सो इसी कल के जो टाइम जो है जेड़ा दसेगा मैनू टाइम वो टाइम तो मैनू आना पड़ेगा ना सर आप पढ़ते बहुत हैं बुक्स लिखते भी कुछ नहीं लिखता मैं कुछ पढ़ता भी नहीं है कुछ नहीं करता लिखते तो बहुत है वो ऐसे ही लिख देना है यार बहुत है हाँ जी नहीं सर आपने बुक भी लिखी थी नहीं नहीं बुक नहीं लिखी यार वो एक कार्यक्रम सेगा एक प्रोग्राम सेगा होते थे जो भी मैं बकिया ओदा उन्होंने कॉपी निकाल दी थी पर तुसी मेरे बारे क्यों फिर हां वो क्योंकि जे मैं पढ़ाई वाले ध्यान देता थी मैं आज तोड़े लागे नहीं बैठा हां बिल्कुल कोच इंसान नु पढ़ाई पीछे खींच लेंदी हां जी ऐसा नहीं है मैं मेरे को पढ़ाई बहुत पसंद थी नहीं ही इज राइट पाजी मैं भी बीएससी किया है मैंने कुछ भी नहीं पता बीएससी होता क्या है तो अगर मैं पढ़ लेता प्रॉपर अच्छे तरीके से डॉक्टर बन जाता तो आपके साथ थोड़ी बैठा होता तो मैं इंजीनियर हूँ मैं यही बैठी हूँ ना तो आपके पास चॉइस होगी ना कि हाँ आपको ऐसा लगा होगा कि अगर इंजीनियरिंग कर ली तो आप क्या करेगी लड़की अब शादी कर देंगे तो आपको लगेगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ये गुड पॉइंट यही पॉइंट है हमारी इस फिल्म पिंक में एब्सोल्युटली यही है कि चॉइस जो है वो लड़की के ऊपर होनी चाहिए ये नहीं उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला जाए कि अब तेरी यहाँ तक पढ़ाई होगी इसके बाद तेरी शादी होने वाली तो तू पढ़ाई बंद कर बाकी सब ठीक है बाकी सब खुश हैं लेकिन आप नाराज लग रहे हो लग रहा है मुझे क्यों बिठाया यार बीच में ना कबूतर ना वो बता रहे हैं ये बता रहे हैं सो यू टेल मी अबाउट योर रोल लाइक कीर्ति सेड वी आर थ्री वर्किंग गर्ल्स लिविंग इन दिल्ली वी आर रूममेट्स I work at an event management company. My name is Andrea in the film and I'm from Shillong. तब से आपने कौन सी चीज सीखी अमिताभ के रिहर्सल करना बहुत जरूरी होता है टेक से पहले सर आप जब कौन कौन सी चीज की रिहर्सल करते हैं इलावा सब चीजों की रिहर्सल करते हैं जैसे सुबह उठ के ब्रश करना तो उसके पहले इसकी रिहर्सल वो वाली मुझे डिपार्टमेंट नहीं वो जया मैम से पूछो मेरे से क्यों पूछ रहे हो सर क्यों करते हैं सर आप रिहर्सल क्योंकि दांत साफ करने होते हैं यार सवेरे सवेरे कभी सर किसी को फोन करने से पहले रेस्ट किया आपने यार क्या बोलूंगा ऐसा कुछ कभी ऐसा ये क्या हो गया है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपकी याददाश्त जो है वो खिड़की से बाहर जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि ऑपरेटर से बोलना है कि ओ यार मेरी गल करा दे निदान तो उन्हें कह देता मैं कि जरा गल करवा दें तो लगाता है फोन वो जब फोन आता है ना तो मैं भूल जाता है कि यार गल की करनी सो नाउ आई राइट इट डाउन इसको मुझे ये बात करनी हो गया सो आई हैव टू रिमेंबर मिस्टेक ना हो यार कैमरा एक बार चल जाए उसके बाद गलतियाँ हो सब लोग देखते हैं सब इतने लोग देखे यहाँ खड़े देख रहे हैं हम लोग से कोई गलती हो जाएगी तो ये लोग अरे यार क्या है यार ऑनर आपके साथ बैठना आपके साथ बात करनी मेरे लिए मेरा ऑनर है कि आपके साथ हूँ मैं आपके कार्यक्रम में अरे नहीं सर सीरियसली बोल रहे हैं हमने एक स्पेशल सरप्राइज आपके लिए छोटा सा सरप्राइज रखा चलो रेडी छोटा सा हाँ. तो हम सब लोग मिलकर उसको मैं अभी आपको बुलाता हूँ लेके आओ काटेंगे कैसे इसको केक है हाँ केक है सर केक है ये केक है छोटा सा और ये आप पूछोगे किसके किसकी खुशी में मेरा अच्छा जो जो गैस सर आप नहीं बताएंगे जो गैस करेगा देख मेरा बर्थडे तो निकल गया हाँ तब भी तो नहीं हो सकता आप बताओ और मेरा बर्थडे आजकल मैं भूल ही जाता हूँ आपके लिए आप बताओ ये केक किस खुशी में मंगवाया आपने कि आप पहली बार सर के साथ शो कर रहे हो बड़ा जन्मदिन है भाई नहीं फिर 44 इयर्स हो चुके हैं सर की पहली मूवी आई को और जय मैम को ओहो यार गुड एंड उसके लिए 44 कमाल यार मैं डाल दी टिटरी तो मैं भूल गया तो ये केक काटेंगे सर हम प्लीज सर मेरे फादर साहब यही कहते हैं
भी याद है सर, 6 फरवरी इज माय डे जन्मदिन, सो ही कॉल्ड मी, और क्यों हो रहा है? तो ठीक है, मैं क्या, हाँ जी मैं ठीक हूँ, चल बाद गल करते हैं. फिर वापस होना है, एक गल दस, तेरा जन्मदिन है. हैप्पी बर्थडे टू यू थोड़ी ना यार, बर्थडे थोड़ी बोलना है सर, बार बार देनी है तो बार बार देनी है क्या? 1 2 3 कट. ये यार सोचने बोला है बार बार, ये 44 इयर्स आए नहीं यार, 88 हो जाएगी मेरी उम्र. सर की खुशी में सब केक खा रहे हैं, बताओ. एक ये मुझे समझ में नहीं आता है, केक क्यों काटते हैं? और दूसरा, चलो केक तो काट ले, उसके बाद केक जो है वो मुंह पे पोत देते हैं. वो नहीं हम करते हैं. आप बिल्कुल मत लीजिएगा. किसने कहा ये करने को यार? तो वेस्टेज इतनी वेस्टेज. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू बाजी, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई विश यू लक सर, आई विश यू लक मैम. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू.